वेल गाइस, दिस इज़ डे 4 और आज हम आ गए एक स्पेशल और यू नो इंटरेस्टिंग जगह पे। एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, बहुत ही सीनिक लोकेशन दिख रहा है। ये एरिया का नाम है भाटी मिर्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है। मैं रिवील कर देता हूँ और बाद में आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस प्लेस इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग, इट्स इज सो अमेजिंग। यहाँ पे बैठ के यू नो इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोकेशन सच में बहुत अच्छी है। और यहाँ पे यू नो द साउंड ऑफ द वेव्स, इट इज़ रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पीछे जो शिप है, बहुत बड़ी शिप है ये, 2020 में जो साइक्लोन आया था, जून में ही आया था, वह उसमें ये शिप यहाँ पे आके फंस गई है और तब से ये यहीं पे है। और ये बहुत रेयरली लोगों को पता है, इवन यहाँ पे जो आते हैं टूरिस्ट भी आते हैं तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्राउड भी आप देख सकते हो कि बहुत कम है। लेकिन ये सच में इंटरेस्टिंग है, ये शिप भी आप देख सकते हो, मतलब पूरा रॉट होना शुरू हो गया है, लेकिन यू नो दिखने में ये जो सीन है, जो लोकेशन है, वो बहुत ही सच में अच्छा लग रहा है। आई गेस नाउ यू कैन हैव अ बेटर लुक एट दिस, इट्स रियली अमेजिंग, इजंट इट? सो अभी जो ये लोकेशन, ये जो अमेजिंग लोकेशन हम लोग ने देखा, ये इस घर के, जहाँ मैं ये जिस घर में हूँ, इस घर के जस्ट पीछे है। और ये है गणेश दादा, गणेश दादा है हमारे साथ। सो गणेश दादा नमस्कार, मी रत्नागिरीकर, मी रत्नागिरी तालुक्यातील रहिवासी असून आज माझ्याकडे काही गेस्ट मंडळी आलेली आहेत, तर त्यांनी जे आत्ता जे लोकेशन केलं त्याबद्दल ते तुम्हाला ते त्यांनी माहिती दिलेलीच आहे। पण आता गेस्ट मंडळी आले म्हटलं की सगळा पाहुणचार आला, तर तो पाहुणचार आम्ही इकडचे उपसरपंच उषाताई कांबळे ह्यांच्या घरी जेवणाचा आस्वाद घेऊन इथे चहा पाण्याचा आस्वाद घेणार आणि मगच इथून निघणार। पुढची माहिती आम्ही तुम्हाला देतच राहू। सो चाय इज मॅन्डेटरी। भाटी मिर्या से निकलने के बाद एक 10-15 मिनट के ड्राइव के बाद ये एक बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, जो मिर्या बंदर बोलते हैं इसको। दिस इज़ द स्टेयरकेस, ये है गणेश दादा, दिस इज़ भाग्यश्री, दिस इज़ रियली अमेजिंग। और आई गेस यहाँ पे सनसेट यहीं पे एंजॉय करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ से। यहाँ पे मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि बहुत स्लिपरी है वहाँ पे, ज़्यादा मैं नीचे नहीं जा सकता। फ़ोटोज़ के लिए आई गेस यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब बहुत स्लिपरी है, बहुत बड़े बड़े क्रैप्स भी है तो आई गेस यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, बट लोकेशन तो बहुत सही है सच में। सो हम लोग अभी जा रहे हैं टिड़काड़ी। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, ये है झाड़गांव, झाड़गांव में है हम लोग अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और यहाँ से एक हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं बोल सकते, 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है टिड़काड़ी, तो इसीलिए हम लोग अभी वॉकिंग जा रहे हैं। गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया है, तो
एक 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, देखते हैं अभी जाते हैं टेढ़ाकाड़ी। यहाँ पे है, सो यहाँ पे है ये स्टैचू और यहाँ पे है टेढ़ाकाड़ी जो लोकमान्य टिड़क इनका बर्थ प्लेस है। तो हम लोग अभी अंदर जाके आ गए लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो अंदर से मुझे शूट करने नहीं मिला। तो ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे आपको एंट्री मिल जाएगी, ऊपर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो ओवरऑल आई वुड से बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है लेकिन अंदर ज़्यादा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि अंदर ज़्यादा कुछ डिस्प्ले किया नहीं है उन्होंने, यू नो एक 5-6 चीज़ें उनकी डिस्प्ले की है। सो अंदर ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने नहीं मिलेगा। ये साइड से हम लोग जा रहे हैं अभी बैक साइड पे, तो अंदर यू नो सिर्फ रूम्स है, रूम्स को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है उन्होंने और ये है बैक साइड। तो बैक साइड पे ज़्यादा थोड़ा मेंटेन करना चाहिए लेकिन ठीक से मेंटेन नहीं किया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉबेबली कुछ काम किया होगा या फिर करना बाकी है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे पीछे से भी आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन किया हुआ है। सो ओवरऑल यू कैन विजिट एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ। सो राइट नाउ वी आर एट रत्नदुर्ग फोर्ट या भगवती फोर्ट भी जिसको बोलते हैं क्योंकि अंदर भगवती देवी का मंदिर है। ये झाड़गांव से एक 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। जैसे मैंने पहले टेढ़ाकाड़ी भी मैंने बताया था कि वो भी सेम डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे था लेकिन ये थोड़ा एक 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो कार लेके हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अभी यहाँ से। दिस इज़ द एंट्रेंस, तो यहाँ से हम लोग अभी एंटर करेंगे, देखते हैं अंदर हाउ इज़ इट। ओके सो यहाँ पे है ये टेंपल और यहाँ से सीधे डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ से अभी लेफ्ट में यहाँ पे आगे रास्ता दिख रहा है तो यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं। और यहाँ से ये कमाल का व्यू दिख रहा है, माइंड ब्लोइंग। वेल अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ा फोर्ट से क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, अभी शाम के 6 बज गए और अभी बहुत जल्दी ब्लैकआउट हो जाएगा क्योंकि आज दिन भर में धूप तो था ही नहीं, तो बहुत जल्दी अभी ब्लैकआउट हो जाएगा तो इसीलिए ज़्यादा कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करने मिला। लेकिन नीचे उतरते टाइम यहाँ पे एक लोकेशन दिख गया तो मैंने कार पार्क कर दी साइड में। अब देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा है। हियर वी गो, दैट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा व्यू है और यहाँ पे क्राउड भी बहुत कम है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा क्राउड है लेकिन ठीक है, ये फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है बट लोकेशन अमेजिंग है। बहुत ज़ोर से हवा चल रही है यहाँ पे और वहाँ पे एक येलो टी शर्ट में अंकल बैठे आई गेस मेडिटेशन कर रहे हैं, आई डोंट नो, बहुत ही आइसोलेट होके बैठे हैं। शायद व्यू अच्छा है वहाँ से, देखते हैं। यस यहाँ पे अच्छा है व्यू। सो बहुत ही फोटोजेनिक लोकेशन है एंड इट्स अमेजिंग।
सो यहाँ पे कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि हाउ दे आर एंजॉयिंग. सो गाइस, कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज जस्ट फॉर 5 मिनट्स. खूप मस्त मस्त, इतकं छान वाटलं. मी खूप ठिकाणी फिरली आहे, पण इथे कमाल, तोड नाही आहे कशाला, इतकं कमाल वाटतंय. मॅम, आप कुछ कहना चाहेंगे? कसं वाटतंय? खूप सुंदर वाटतंय, खूपच छान वाटतंय. कमाल कमाल जय, कसं वाटतंय? कमाल म्हणजे एक नंबर आहे ही जागा, म्हणजे एक नंबरच आहे खरं. इकडे लोकेशन तुम्ही बघू शकता, इकडे मस्त तिकडे दगडी वगैरे दिसतात आपल्याला, इकडे मस्त डोंगर आहे आणि मस्त वारा सुटलाय, खूपच छान एकदम. आणि लिटरली म्हणजे असे किती फोटोज क्लिक करू आणि किती नाही असं झालंय मला. असं फोटो तर एक पण चांगला येत नाही, पण तरी पण क्लिक करतो, तरी पण मी फोटोज क्लिक करतोच होते, पण कारण लोकेशनच एवढा मस्त आहे की इथून निघायचं मन नाही करत आहे ॲक्च्युली. म्हणजे कुठे इथे पण एक चांगलं लोकेशन दिसतं आहे आणि त्या साईडला पण जर आपण बघाल तिकडे, तिकडे पण नक्कीच चांगलं लोकेशन असणार आहे वरती गेल्यावरती, आणि इथून पण खालून पण चांगलंच दिसतं आहे ॲक्च्युली. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लोकेशन, व्हेरी ब्युटिफुल, यु नो, जस्ट मेस्मरायझिंग. यू हॅव टू जस्ट स्पेंड टाईम, ॲटलीस्ट यू नीड 3 to 4 hours टू स्पेंड हिअर, अँड यु नो यू विल हॅव अ ग्रेट डे, ट्रस्ट मी. थँक्यू. थोडा ब्राईटनेस कम होगा क्योंकि इट्स गेटिंग डार्क, इट्स 7:15 आय गेस. तो कल हम लोग ने नॉट कुंभलगढ़, रत्नदुर्ग फोर्ट हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं, पूरा भी एक्सप्लोर नहीं करने मिला एक्चुअली. तो लेकिन एक वहाँ से निकलते टाइम एक लोकेशन हम लोग ने एक्सप्लोर किया था, वो तो बहुत सुपर्ब है, इट्स मस्ट विजिट, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग लोकेशन था, रियली फोटोजेनिक, यू नो. लेकिन और एक बात एक अच्छी लगी कि वहाँ पे अननेसेसरी पार्किंग के लिए चार्जेस नहीं था, तो वो एक चीज़ अच्छी लगी. नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं विजिट करूँगा तो ज़रूर पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करूँगा, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है. तो ठीक है, एनीवेज अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट एक्सप्लोर द होल थिंग. आज हम लोग ने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं वैसे, क्योंकि कल हमें निकलना है मुंबई के लिए. तो आज हम लोग ने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं, जस्ट लोकल वॉक करके थोड़ा चिल किया. तो कल देखते हैं, कल सुबह निकलेंगे अराउंड 10 or 11 o'clock, देखते फिर से एक 12 hours का जर्नी है, 12 to 13 hours, क्योंकि पहले मुझे जाना है मुंबई, और मुंबई में बाकी सब लोगों को ड्रॉप करके मुझे वहाँ से जाना है नालासोपारा. So it's going to be an extensive drive, it's going to be tiring, but it will be amazing, because raat mein Mumbai mein enter karunga to zyada mujhe traffic nahi milne wala hai, to I'm happy for that. So milte hain kal. दिस इज़ डे 8. लास्ट संडे को मैं निकला था सायन से, और आज फिर से संडे है. अब मैं सायन से नालासोपारा जा रहा हूँ. तो कल हम लोग निकले थे रत्नागिरी से अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग, और रात को एक 10:30 के आसपास सायन पहुँच गए. तो ओवरऑल एक 11.5 घंटे का ट्रैवल था. कल तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन कल फिर से मुंबई में सबको ड्रॉप करके फिर से सायन में मैंने हॉल्ट लिया, और आज निकला हूँ सायन से सुबह के 7:30 बज रहे हैं. ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हार्डली 4 घंटे सोया हूँ. अब जा रहा हूँ नालासोपारा, एक 1 hour 14 minutes बता रहा है नालासोपारा के लिए. तो यस, दिस वॉज द जर्नी. ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग प्लेसेस, वंडरफुल पीपल, रियली लवली. आई मीन क्या लोग थे यार, मतलब सो वेलकमिंग, यू नो, जस्ट मज़ा आ गया. मतलब इट वॉज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. और रोड ट्रिप्स तो चलते रहेंगे, वेरी सून देर विल बी अ रोड ट्रिप, सो कीप वॉचिंग.